नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की आज की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं और अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। चमोली में श्रीराम के राज तिलक के साथ ही रामलीला का सफल समापन हो गया। विगत 10 दिनों से जोशीमठ में रामलीला का मंचन किया जा रहा था, जहां कई क्षेत्रों में दशहरे के मौके पर रावण दहन के साथ रामलीला का समापन हो जाता है। वहीं पहाड़ों में दीपावली के मौके पर कई जगहों पर रामलीला का समापन किया जाता है। जोशीमठ की रामलीला भी दीपावली के मौके पर राम के राज्याभिषेक के साथ समाप्त हो गई। जैसे हमारी पहाड़ों की परंपरा है, पुरानी मान्यता है, भगवान राम का जो है राजतिलक जो है दीपावली के अवसर पर होता है। आज दीपावली के दिन जो है इस लीला का जो है यहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ है। टिहरी जिले की 45 जिला पंचायत सीटों का परिणाम सामने आ चुका है। 3 सीटों पर निर्विरोध चुनाव और 42 सीटों पर 3 चरणों में हुए चुनाव के बाद बीजेपी के 17 अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं, जबकि कांग्रेस को मात्र 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। 24 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहा। अब सभी की नजरें जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर हैं। भिलंगना ब्लॉक से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी सोना सजवाण हैं। यहाँ पर सोना सजवाण का दावा काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घनसाली क्षेत्र से ही चुनाव जीती नीलम बिस्ट भी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं। और जिंदगी एक चुनौती है और इसको ये नहीं है, हमारे बहुत से निर्दलीय 25 से 26 की संख्या में निर्दलीय आए हैं और हमारे मेरी उम्मीद है पूरी कि वो भी पूरा सहयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी से भी हम समर्थी हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ। और जो आपने हैट्रिक कही है, ये जिला पंचायत पंचायतों का चुनाव है, पार्टी ने बहुत सोच समझ के टिकट दिया है। टिहरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क का कार्य लगभग विगत 1 साल पहले शुरू हो चुका था, जिसका लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मात्र पेंटिंग का काम होना बाकी है, जिसमें कई भूमिधरों को मुआवजा दिया जाना है। लेकिन मुआवजे की याद पूरे साल भर नहीं आई और जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित हुए, वैसे ही एक व्यक्ति ने मुआवजे को लेकर आक्रोश दिखाते हुए सड़क के बीचों बीच पत्थर लगा दिए। मार्ग से थोड़ा बहुत आवागमन हो रहा था, वो आवागमन भी अब पूरी तरह से बाधित हो चुका है। व्यक्ति का कहना कि काफी समय से मुआवजे को लेकर लटकाया जा रहा है। तो वो मेरी सेहत है, तुम वो साल भर पहले सो रखे थे, आप ये बताओ। साल भर पहले सो रखे थे तुम? साल भर पहले सो रखे थे, मैंने कहा आप ये बताओ। मतलब तुम्हें एक साल बड़ी रीजन, तो साल भर बड़ी पेमेंट ही नहीं हुई क्या? तो उस समय क्यों नहीं बोला आपने? पिथौरागढ़ के मड़खड़ायात गाँव में तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। एक घर के भीतर 3 नेपालियों की लाशें बरामद की गई। कुल्हाड़ी से वार कर विभत्स तरीके से तीनों को मौत के घाट उतारा गया, साथ ही मृतकों के गुप्तांग भी काट दिए गए। तीनों मृतक नेपाल मूल के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 की शिनाख्त हो गई, जबकि तीसरे मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि मड़खड़ायत गांव के एक पुराने मकान में 2 नेपाली किराए में रहते थे, जो मजदूरी का काम किया करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व इसी मकान में एक नेपाली महिला सहित 2 और नेपाली आए थे, जिसमें से एक नेपाली युवक की भी लाश बरामद की गई, जबकि नेपाली महिला और युवक नदारद हैं। पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से जांच करने में जुटी हुई है। अल्मोड़ा से फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाया जाएगा। एक हरीश बोरा है, दूसरा जो काशी बोरा है, ये दोनों नेपाल के जो लेबर यहाँ पर काम करते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं उसमें, जो सड़क निर्माण में, वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। तीसरे की शिनाख्त के प्रयास की जा रही है, पंचायतनामा भी भरा जा रहा है, पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी फॉरेंसिक टीम कल रात से लगी हुई है, डॉग स्क्वाड भी कल रात से लगी हुई है, हमने इसमें 3 टीमें लगा रखी हैं। आपने देखी उत्तराखंड की क्या क्या खबरें थी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।